ग्राम हनोदा में शासकीय प्राथमिक शाला बनाने को लेकर ग्रामवासी व सरपंच के बीच हुआ विवाद। वही सरपंच की हट धर्मिता से ग्रामवासी दिखे आक्रोशित। दुर्ग के ग्राम हनोदा में स्कूल बनवाने को लेकर बड़ा विवाद हो गया, जिसके चलते एक तरफ पूरे ग्रामवासी तो दूसरी तरफ सरपंच की हट धर्मिता से गांव में विवाद का माहौल रहा। आपको बता दें, शासकीय प्राथमिक शाला हनोदा में मिडिल स्कूल को लेकर ग्रामवासी काफी आक्रोशित नजर आए। सरपंच का कहना है, प्रस्ताव व अनुदान शासन की तरफ से स्वीकार होने के बाद मैं स्कूल की जगह को नहीं बदलूंगा। वही ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान समय में हम ग्रामवासी कोई भी त्यौहार अच्छे से नहीं मना पाते, इसके लिए हम लोगों ने ये सोचा कि हाई स्कूल के पास ही मिडिल स्कूल को स्थापित करें, ताकि कोई भी त्यौहार आए तो हम सब ग्रामीण मिलकर उस त्यौहार को उस जगह पर मना सके। इसके चलते सरपंच अपनी हर धर्मिता के साथ मिडिल स्कूल को उसी जगह पर बनवाने तुल पकड़ा हुआ है, जबकि सभी गांव वालों ने उस जगह को लेकर अपना विरोध जताया है। इस संबंध में ग्रामवासियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ये क्या है सर, मतलब हमारे यहाँ कन्या प्राथमिक स्कूल था, वो जर्जर हो चुका था और वो अभी तोड़ा गया है, तो तोड़ करके ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव लेकर के वहीं पे बना रहे हैं, मगर गांव वाले चाहते हैं कि नया निर्माण हो रहा है तो हमारे पास जगह है स्कूल बनाने के लिए, और हाई स्कूल मिडिल स्कूल एक ही जगह है, तो हम लोग ये चाहते हैं गांव वाले कि सारे स्कूल एक ही जगह चले जाए, और गांव में एक बड़ा सा जगह नहीं है सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए, तो ये हमको बड़ा स्पेस गांव के लिए मिल जाएगा और स्कूल एक जगह हो जाएगा। सरपंच अपने अड़ियल रवैया पे अड़ा हुआ है, वो कहता है कि हमने प्रस्ताव करके भेज दिया है और पैसा पास हो गया है तो हम वहीं पे बनाएंगे, चेंज नहीं करेंगे करके। तो हम लोग इस बात को सुने तो मंत्री जी के पास गए थे, तो बोले कि ये ग्राम का मामला है और ग्राम सभा में बैठ जाओ, सब मिलकर के निर्णय लो, आप लोग जहाँ चाहोगे, गांव आपका है, आप जहाँ चाहोगे वहाँ बनेगा। शहर के बैठक यहाँ पे पहले आम सभा हुआ, आम सभा में सहमति बनी है कि इस जगह को स्थापित करके एक ही जगह बने करके, उसके बाद में ग्राम सभा हुआ 14 तारीख को, अच्छा कितने तारीख को, फिर उसमें भी यही हुआ कि मतलब अधिकांश लोग थे तो वहीं पे बनेगा करके, तो सरपंच ने ये टाल दिया कि हम यहाँ ये अधिकारी नहीं आया है, नोडल अधिकारी, और कोरम के अभाव में इनको 1 तारीख को किया जाते हैं करके। पर आज पूरे गांव भर के आदमी इकट्ठा होकर के सब यही चाह रहे हैं कि स्कूल एक ही परिसर में बने सारे स्कूल, और इस जगह को गांव के हर कार्यक्रम के लिए रखा जाए, क्योंकि गांव में एक बड़ा जगह नहीं है, चाहे दशहरा हो, चाहे गाँव में मातर का कार्यक्रम हो, ऐसा कोई भी जगह नहीं है गाँव में। हमारे गांव है हनोदा, ग्राम हनोदा, हम लोग पूरा जनता ये चाहते हैं कि पहले ये स्कूल था छोटे बच्चे का स्कूल था, ये तो टूट गया है, जर्जर हो गया था तो टूट गया है। टूटने के बाद पूरा जनता ये मांग कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जगह चेंज, यहाँ पे स्कूल नहीं बनाकर खाली स्थान रखना है अभी, और ये जो स्कूल बना था वो स्कूल कहीं जगह और है, वहाँ पे स्कूल बनना चाहिए, ताकि जनता चाहते हैं सभी स्कूल एक साथ एक जगह हो। जनता ये नहीं चाह रहे कि ये बजरंगबली का जगह है, बाजार का जगह है, खेलकूद के लिए मैदान नहीं है, तो ये सब चीज के लिए इसको खाली स्थान चाहिए। जनता बस यही चाह रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कोई नहीं चाह रहे हैं। सरपंच का कहना है कि यहाँ पे स्कूल बनाना है, और जनता का कहना है सिर्फ हमें जगह चेंज चाहिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।